नमस्कार। तो जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था, वो नोटिफिकेशन फाइनली आ गया, आईबीयू राउंड टू का फॉर एनडीबीएस काउंसलिंग 2021 बैच। और मैंने इसलिए स्पेसिफाई करा क्योंकि आईबीयू के जब होम पेज पे जाएंगे सो 2022 की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आपको होम पेज पे ना ये लिंक नजर आएगा, लेकिन ये लिंक नहीं क्लिक करना, हमें नीचे वाला ही क्लिक करना है। फिलहाल काम नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत चल रही है उनके यहाँ, क्योंकि उन्होंने 2022 में चालू कर दिया है। तो ये पहली चीज मैं आपको ये दिखाना बताना चाहता था। और एक बड़ा धमाका कर दिया है, बम फोड़ दिया है कि आईपीयू का इस बार राउंड टू ही ऑफलाइन होगा द्वारका कैंपस में। और आज हम 7 तारीख पे बैठे हैं और 16 और 17 तारीख को होगा। और इन डेट से क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको समझाता हूँ, जो मेरा अपना एनालिसिस है। बड़ा मजा आएगा आपको सुन के वीडियो। इस वीडियो को लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट एनालिसिस सुनने हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आईपी ने अलाउ करा है। दैट मींस वो महानुभाव, मैं वही बोलूंगा, जो ने अभी तक दिल्ली कोटा होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 1200 रुपए देके। वो कल दोपहर को देखिए आप 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 10 तारीख सुबह 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सेम ही टाइम है उन लोगों के लिए जिन्होंने आधा रजिस्ट्रेशन किया था। देखिए आईपी में क्या होता है, चाहे कोई भी कोर्स हो, आईपी का स्टैंडर्ड प्रोसेस है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, 1200 रुपीज वो लेते हैं आपसे, फिर 1000 रुपीज लेते हैं काउंसलिंग फी के नाम के। तो टोटल 2200, 2200 रुपए। तो ये 2200 रुपए उस बच्चे को देने जिसने अब तक कुछ नहीं करा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करके बैठे थे, 1200 रुपए का काउंसलिंग फी की पे की थी, 1000 रुपए वो दे देंगे। तीसरा, जिन्होंने पूरे 2200 रुपए दे रखे हैं और उनको राउंड वन में कोई भी सीट अलोकेट नहीं हुई, उन्होंने कुछ नहीं करना। मैं सॉरी डिटेल पे आता हूँ, ठीक है। तो ये डेट हो गई 8 से 10 दोपहर, और इन्होंने 12 तारीख तक का टाइम दिया है, फ्राइडे तक का, अभी भी उन लोगों को रिजाइन करने के लिए जिन्होंने राउंड वन में एलोकेशन किया था और 40,000 की पार्ट पेमेंट ली थी, जो हम जानते हैं ना, पर अभी तक इन्होंने एडमिशन विड्रॉ नहीं करा है। आईपी का स्टाइल है, हर कोर्स में 40,000 रुपये पार्ट अकेडमी फीस लेते हैं। इनको अभी भी समय दे दिया गया 12 तारीख तक का कि भाई अगर आपको कहीं और सीट मिल गई है तो आप प्रॉपरली आईपी से विड्रॉ कीजिए ताकि एक प्रॉपर सीट मैट्रिक्स दोबारा से बन सके, राइट। तो एक पहली इंटरेस्टिंग चीज है, शेड्यूल मोटा मोटी जो भी किसने करना है वो 3 दिन में ही करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। सो रिजाइन करने वाले 12 तारीख तक जा सकते हैं, वो भी दोपहर तक। रजिस्ट्रेशन करने वालों को 8 से 10 तक करना है, कोई चॉइस फिलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं केस बाय केस समझाऊंगा। हम सभी जानते हैं 3 कॉलेज हैं, अंबेडकर आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, एनडीएमसी। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में मेजोरिटी सीटें आर्मी पर्सनल्स के लिए हैं, अंबेडकर और एनडीएमसी मिला के 125 जमा 60 सीटें हैं, 85% इस राउंड में आती हैं। एंड देन दी नॉर्मल रिजर्वेशन लागू होती है, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। और हम सभी जानते हैं खासकर ओबीसी में ऐसा बहुत होता है कि दिल्ली के काफी लोग होते हैं जो नेशनली जनरल होते हैं, दिल्ली में आके ओबीसी बन जाते हैं, और दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, और इस वजह से जो कट ऑफ है वो काफी वेरी करती है। हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली, हमारे पास एक रफ आइडिया है एज ए काउंसलर कि कितने बच्चे हैं जो दिल्ली के नेशनल ओबीसी हैं और नेशनल जनरल में और दिल्ली में ओबीसी में आते हैं। तो ये काफी इम्पैक्ट करता है कट ऑफ को, खासकर ओबीसी वालों के लिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नेशनल ओबीसी वाले थे वो ऑफकोर्स दिल्ली में भी ओबीसी थे, वो ये सोच के चल रहे होते हैं कि ठीक है मेरे और ऊपर वाले बच्चे में खाली 22 बच्चे हैं। हमें पता चलता है कि नेशनल जनरल दिल्ली ओबीसी वाले और घुस गए 15, और आपकी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे जिस भी स्टूडेंट ने हमारा है किसी और अच्छे काउंसलर का पैकेज अभी तक नहीं लिया है और हमारा पैकेज लेना चाहते हैं, तो अभी भी कॉल कर सकते हैं आप 9643362320 पे। ये हो गया, ये सब जो ये नोटिस वोटिस है इसकी चिंता मत कीजिए कि ये क्यों है, कानून क्या है इसका, इसको छोड़िए, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये 2 पेज किसी काम के नहीं, मैंने आपको शेड्यूल बता दिया। अब ये देखिए जो उन्होंने कहा था कि 16 और 17 तारीख को होगा ऑफलाइन काउंसलिंग, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगी। और जो फाइनल रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो लिस्ट आ जाएगी 14 तारीख को, दैट भी 14 तारीख को प्रैक्टिकली आईपी अपनी मेरिट लिस्ट डाल देगा, राइट। आपको कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, सीधा आप काउंसलिंग में जाते हैं। कौन कौन लोग राउंड टू में पहुंच जाए अपने आप, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, मैंने बोला 2200 रुपए देके, राउंड वन में भरा हुआ है, सीट नहीं मिली थी, उन्हें कुछ नहीं करना, आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिनको राउंड वन में सीट मिली थी,
40,000 रुपये पे किए थे, कॉलेज में रिपोर्ट किया था, लेकिन फ्लोट की ऑप्शन चूज की थी, वो जा सकते हैं। 40,000 रुपये पार्ट पेमेंट की थी, कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करा था, और जिन्होंने एडमिशन विड्रॉ कर लिया था, ऐसे कैंडिडेट भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, राइट? वो नोट बिलो क्या मैं बता रहा हूं। तो मतलब ये इस नोट का क्या मतलब वो समझिए, बेसिकली वो सभी लोग जिन्होंने एडमिशन लेके विड्रॉ कर लिया, जिन्होंने एडमिशन लिया ही नहीं था, जिनको राउंड वन में सीट मिली थी, बहुत कम होते हैं कि राउंड वन में एलोकेशन हुई पर आप बिजी थे, आपने ध्यान नहीं दिया और आपने रिपोर्ट नहीं करा। अब आईपी का जो ओरिजिनल रूल था वो तो ये है कि अगर आपने रिपोर्ट नहीं करा तो आप काउंसिलिंग से डिबार हो गए, खत्म हो गए आप, क्योंकि जो आईपी के बाकी कोर्स है उसमें रूल चलता है बीबीए बीटेक में कि आपको जब एक सीट मिलती है आपको उसको कुछ करना होता है, फ्रीज करो या फ्लोट करो। अगर आपने छोड़ दिया तो आप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने आपको ऑप्शन दिया है कि वो लोग जिनको एलोकेशन मिला था उन्होंने कुछ नहीं करा था, जिनको एलोकेशन मिला था उन्होंने 40,000 रुपीज पे करके रिपोर्ट करा था, फ्लोट ऑप्शन चूज की थी, 40,000 रुपीज दिए थे लेकिन रिपोर्ट नहीं किया था, 40,000 रुपीज दिए थे रिपोर्ट किया था लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया, जो ऊपर विड्रॉल का भी टाइम आ रहा है, ये सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करके। जी हाँ, तो जो नोट है इसमें यही लिखा बेसिकली कि आपने जो पहले पैसे दिए थे वो जब्त हो गए और अब 1,200 प्लस 1,000 2,200 रुपए देके दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो कि ओपन होने वाला है कल दोपहर को 2 बजे। सब समझ में आई बात? तो ये मेन चीज था। सिर्फ वो लोग एलिजिबल नहीं है जिन्होंने क्लियरली लिखा है कि जब आपको राउंड वन में सीट मिली थी और आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाने गए और वो डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ पाई गई, आप मत लीजिए। और सीधा सी बात है कि जो लोग राउंड टू में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने वाले हैं, राउंड वन में किया ही नहीं था, तो फिर आप कैसे करोगे? पर जो राउंड वन में रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, मैंने बोल दिया उन्हें सीट नहीं मिली थी तो उन्हें कुछ नहीं करना, सीट मिली थी कुछ नहीं करा, सीट मिली थी 40,000 रुपये दिए कुछ नहीं करा, 40,000 रुपये दिए रिपोर्ट किया बैठ गए, फ्लोट के ऑप्शन चूज की थी, 40,000 दिए रिपोर्ट किया विड्रॉ कर लिया, ये सब लोग दोबारा से 2,200 रुपये देखे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका नाम दोबारा 14 तारीख को आ जाएगा। तो आप ये सब काम कल परसों में कर लीजिए। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा ऑफ, ये फिर से नॉर्मल ज्ञान है, सबको पता है कि 11th 12th दिल्ली से होनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है ओबीसी और एसटी के लिए कि वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको ओबीसी क्लेम करना है, एससी क्लेम करना है, एसटी क्लेम करना है, वो सर्टिफिकेट दिल्ली से इशूड होना चाहिए। होता है कभी कभार आप यूपी के हरियाणा के हो सकते हैं, फंडामेंटली आपने स्कूलिंग 11वीं 12वीं दिल्ली से, कि हम सभी जानते हैं ना वो जो डमी स्कूल चलता है खासकर नॉन अटेंडिंग, उस नॉन अटेंडिंग के चक्कर में आप मान के लीजिए आप जो टिपिकल यूपी के बच्चे हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के, हिमाचल के, आपने अपना ओबीसी एसटी एससी वहां से बनवाया हुआ है, वो कहते हैं नहीं आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, अगर आप दिल्ली में क्लेम कर रहे हैं तो दिल्ली से बना होना चाहिए और दिल्ली की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये मैंने पहले भी वीडियो से बताया, अब रिमाइंड कर रहा हूँ, अभी भी आपके पास 6-7 दिन का समय है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो 16 तारीख को यूज होंगे ना, तो अगले पूरे वीक, इस पूरे वीक में 8 दिन का समय है, दिल्ली में बनवा लीजिए अगर आपका दिल्ली में नहीं बना हुआ तो, राइट? नॉन क्रीमी क्रीमी ईडब्ल्यूएस सारे रूल सेम है, फिर ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आ जाता है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सिंपल है, मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता लेकिन फिलहाल बंद है, लिंक काम नहीं कर रहा था। तो आप जिसने भी, बहुत सिंपल है, आप होम पेज पे जाएंगे, इस बटन को दबाएंगे और जो सामने आता जाएगा उसको आप भरते जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, फिलहाल सर्विस अनअवेलेबल आ रही है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, असली एनालिसिस क्या है, जो मैंने कहा था मजा आएगा। इन्होंने 16-17 की डेट दी है ऑफलाइन, दो चीजें मत, पहले ऑफलाइन, कई मेरे पास सुबह से ना फोन आ चुके, जब से मैंने अपने क्लाइंट्स को डाला तो मैंने उनको रोका, मैंने 3 क्लाइंट को पौना पौना घंटा एक्सप्लेन किया, फिर चौथे को मैंने बोला सर मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, आप वो वीडियो सुन लीजिएगा, आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। जनरली राउंड टू हर जगह ऑनलाइन होता है, एक तो आप ये समझिए कि एमसीडी काउंसलिंग में 4 राउंड होते हैं, तकरीबन मोस्ट स्टेट्स में 3 राउंड में काम हो जाता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, एमसीसी में राउंड वन राउंड टू थर्ड राउंड मॉपअप शुरू से ऑनलाइन होता था, इस साल वो कह रहे हैं कि हम चौथा राउंड भी ऑनलाइन कर रहे हैं। स्टेट्स में हमेशा ही राउंड वन राउंड टू ऑनलाइन, राउंड थ्री ऑफलाइन होते हैं मेजोरिटी में। राजस्थान राउंड टू ऑफलाइन कर रहा है पूरी इंडिया में जितना हम जानते हैं, तमिलनाडु वगैरह शुरू से ऑफलाइन करते थे, इस साल ऑनलाइन कर रहे हैं।
लेकिन आईबी भी इस साल ऑफलाइन कर रहा है अपना राउंड टू, तो अदर देन राजस्थान आईबी बन गया दूसरा स्टेट जो कि ऑफलाइन कर रहा है। अब इस ऑफलाइन काउंसलिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो समझाता हूँ मैं। सिग्निफिकेंस ये होता है, देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है, मैं हमेशा लोगों को काउंसलिंग समझाता हूँ। एक फलाना कॉलेज है, या क्योंकि दिल्ली बहुत छोटा, मान के चलते हैं यूपी की अभी राउंड टू की चॉइस फिलिंग चल रही है, आप लोगों ने सारी गवर्नमेंट सीटें भरी, इनके पास गवर्नमेंट की टोटल 140 सीटें अवेलेबल थी अक्रॉस कैटेगरीज, जितने भी टॉपर बच्चे हैं 140 बच्चों को सीट अलोकेट कर देगा ऑनलाइन कंप्यूटर और फिर खत्म बात। अब अगले 6 दिन में इन्हें कुछ नहीं पता ना क्या होगा, क्योंकि एलोकेशन आज किया, रिजल्ट आज दिया, रिपोर्टिंग के लिए 7 दिन का समय देते हैं ना, जो टिपिकल एमसीसी का अगर आप शेड्यूल देखोगे या किसी भी स्टेट का फॉर दैट मैटर, मैं आपको 3 4 होके दिखाऊंगा, मैं कहना आपको बहुत मजा आएगा ये देख के। अब रिपोर्टिंग के लिए तो हम अलग से समय देते हैं। अब मैंने बोला ना कि मैंने मैंने 140 के 140 को सीट दे दी, अब उन 140 में से 15 लोगों, 140 में से 80 लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं करा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कब, जब तक 5 मार्च खत्म नहीं हो जाएगी, राइट, जो राउंड टू का एमरजेंसी का टाइम था। सिमिलरली फॉर एवरी स्टेट, क्योंकि तब तक तो मुझे वेट करना है, 6 मार्च को जाके तो मुझे पता चलता है अरे 140 में से 80 लोग तो आए ही नहीं। फिर बाकी बातें आती हैं कि उन्होंने अपग्रेड कर दिया, कि उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कॉम्प्लिकेशन। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में बिल्कुल 140 सीटें हैं, लेकिन उसी दिन हॉल में बच्चे बैठे हुए हैं 1,000, नंबर 4 को बुलाया जाए, नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ये आप एक्चुअली यू आर कॉल्ड इन स्टेज, बोलते हैं आप नंबर 1 हो, आपके पास सारी ऑप्शन है, हमारे पास ये लिस्ट ऑफ सीट्स अवेलेबल है, बताइए आपको क्या चाहिए, आप टिक मार्क लगा दोगे। अब दिल्ली की एग्जाम्पल लेते हैं जी, मेरे को तो अम्बेडकर चाहिए, बीएससी की एक सीट खत्म, अगला बच्चा आता है उसको शौक है एसीएमएस से पढ़ने का, मुझे एसीएमएस की सीट चाहिए, लेकिन अब वो जो बच्चे जिनको एडमिशन नहीं लेना था वो वहां मौजूद है, जब उन्होंने नहीं लिया ना तो तुरंत अगले बच्चे को दे दी जाएगी, तो 140 के बाद जो 1,000 बच्चे बैठे हैं वो उसी दिन सीट को लेके खत्म कर देंगे। जब भी ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाती है अगले राउंड की आने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो वही हॉल में बैठे हुए हैं। ऑनलाइन में उन एक्स्ट्रा बच्चों के लिए हमें अगला राउंड करना पड़ता है, ऑफलाइन में 200 सीटें थी, आपने बुलाई 2,000 बच्चे रखे, ये कहकर कि सीट कंफर्म नहीं है आप वेट कीजिए, पहले वो पहले 200 में बुलाएंगे, पर 200 ने अगर हाथ की हाथ सीट कंफर्म करके, हाथ की हाथ डॉक्यूमेंट जमा करके, हाथ की हाथ आरटीजीएस नहीं करी, आपकी सीट गई, अगले को बुला लेंगे, अगला तैयार बैठा है, जो 300 नंबर वाला है वो तो तैयार बैठा है कि मुझे सरकारी सीट मिल रही है, वो कूद के ले लेता है और उस कॉलेज की सीट खत्म हो जाती है। सो जब भी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है मान के चलिए अगला राउंड आता ही नहीं है, तो अगर आईपी सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर रहा है ऑफलाइन, तो मान के चलिए इस साल आईपी का मॉपअप नहीं होगा। अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि जो पीडब्ल्यूडी की सीट होती है फिजिकल हैंडीकैप, वो कब कन्वर्ट होगी, क्योंकि सिर्फ भाई अगर राउंड टू में कन्वर्ट नहीं हुई तो मॉपअप सिर्फ उन सीट्स के लिए होगा जो फिजिकल डिसेबिलिटी की सीट्स फिर नॉर्मल सीट्स में कन्वर्ट होती हैं, मतलब एससी फिजिकल डिसेबिलिटी बिकम्स एससी, ओबीसी फिजिकल डिसेबिलिटी बिकम ओबीसी, राइट। तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया कि राउंड टू में करने वाले हैं या इसके लिए अगला लास्ट राउंड करेंगे, तो आप गिन सकते हो कि सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी की जो सीट्स होती है 5%, वो अगर राउंड टू वाले दिन लोग नहीं पहुंचे वो लोग, तो वो बाद में कन्वर्ट होंगी, अगर फिलहाल उन्होंने ये भी क्लैरिफाई नहीं करा, जो शायद कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में। अब जो उन्होंने डेट्स चुनी है वो बड़ी शानदार चुनी है, 16-17, मैंने कहा ना किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, 16 तारीख से पहले पहले, खासकर दिल्ली के नियर बाय स्टेट्स हैं, मतलब सभी पूरी इंडिया के हर स्टेट का राउंड टू का रिजल्ट आ चुका होगा और तकरीबन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की रिपोर्टिंग का टाइम भी खत्म हो चुका। अब इसका क्या फायदा है दिल्ली के बच्चे को, देखिए मेरे पास भी कई क्लाइंट है, दिल्ली के साथ एक भी प्रॉब्लम है, तो वैसे भी दिल्ली बड़ी कॉम्पिटिटिव सिटी है, गिने चुने कॉलेज हैं, 7 में से 5 कॉलेज की काउंसलिंग एमसीसी करा देता है। दूसरा क्या है कि दिल्ली एक गढ़ है मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन का, आप हरियाणा के रहने वाले, आप पंजाब के रहने वाले, हिमाचल तक के, राजस्थान तक के बच्चे वो दिल्ली में जो 3 4 फेमस कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पढ़ने आते हैं 11th 12th में, एडमिशन ले लेते हैं एक नॉन अटेंडिंग डमी स्कूल में, और आपको दिल्ली कोटा भी मिल जाता है। सो बहुत बच्चे होते हैं दिल्ली में, शायद 20% से ऊपर होंगे जो बल्कि टॉपर बच्चे होते हैं जिनके पास कम से कम एक डोमिसाइल और होता है, तो वो होगा हरियाणा प्लस दिल्ली, राजस्थान प्लस दिल्ली, पंजाब प्लस दिल्ली, हिमाचल प्लस दिल्ली, यूपी प्लस दिल्ली, उत्तराखंड प्लस दिल्ली, बिहार प्लस दिल्ली। अक्सर साउथ के बच्चे दिल्ली तक नहीं आते,
महाराष्ट्र गुजरात के बच्चे अहमदाबाद में मुंबई में पढ़ लेते हैं, इंदौर में पढ़ लेते हैं एमपी के बच्चे, पर इन स्टेट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। अब मैं दिल्ली का बच्चा हूँ, प्योर दिल्ली का, मेरे पास हरियाणा की डोमेसाइल नहीं है, तो मैं फिर इन बच्चों से हार जाता हूँ। लेकिन चूंकि अब हरियाणा पंजाब यूपी का सबका रिजल्ट और रिपोर्टिंग आईपी के 16 तारीख से पहले हो जाएगी और बच्चे रिस्क नहीं लेंगे 16-17 का, तो दिल्ली के बच्चे को थोड़ा फायदा हो जाएगा कि उसको कंपटीशन उसके लिए कम हो जाएगा। हरियाणा का बच्चा अपने हरियाणा की स्टेट की, यूपी का बच्चा अपने यूपी के स्टेट की, पंजाब का बच्चा अपने पंजाब के स्टेट की सीट ले लेगा। ये हो गया फायदा। नुकसान क्या है? नुकसान एक्चुअली स्टेट से नहीं था, नुकसान है एमसीसी के शेड्यूल से, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा जो 3 होने वाला है, जो मॉप अप राउंड बोलते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन 14 तारीख को खत्म है। अभी उन बच्चों के लिए जिनको हम ही ने गाइड किया था, जो ये आईपी के, खासकर बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं, आईपी हरियाणा वाले जो कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं इंडिया में, दिल्ली हरियाणा राजस्थान, हमने सबसे कहा था कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 भरिए और एक सीट अलोकेट करा के खराब कर दीजिए, ताकि अगर आपको आईपी ना मिले तो आपको राउंड 3 में सेम सीट या उस लेवल की सीट मिल जाए। ये सीट खराब कराने का कॉन्सेप्ट मैंने अलग से समझा दूंगा, मतलब ये कि आप देखो भरते ही ना तो किसी और को सीट मिल जाती, वो ले लेता, तो आपने अगर सीट लेके अलोकेट करा के रिपोर्ट नहीं करा, जो मैं आपको ऑनलाइन काउंसलिंग समझा रहा हूँ, तो वो सीट किसी को नहीं मिली इस राउंड में। सो अगले राउंड में वो सीट आपके लिए तो है ही ना, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स हैं, तभी तो आपको वो अच्छी सीट मिली थी। तो हमने अपने तकरीबन जितने हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि इस दुविधा में थे कि दिल्ली आईपी का वेट करना चाहते हैं, हरियाणा राउंड 2 का वेट करना चाहते हैं, पंजाब राउंड 2 का वेट करना, अपने स्टेट का राउंड 2 वेट करना चाहते हैं, हमने सबको एडवाइस किया था, गाइड किया था कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 भरिए, एक सीट एलोकेट करवाइए, लेकिन रिपोर्ट मत कीजिए। अब उन सबको, मेरे को ये था कि स्टेट्स खत्म हो जाएंगे, हो ही रहे हैं अदर देन आईपीयू, सो हरियाणा का यूपी का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको अपनी मनपसंद सीट मिल गई, तो आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। पर चूंकि आईपी हो रहा है 16-17 को, सो दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा फिर से रजिस्ट्रेशन, और जो भी आपकी फीस है 10,000 या 5,000, वो आपको भरनी पड़ेगी। तो ये आपका नुकसान है 5-10 हज़ार का। उसमें मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों की जिनका कंफर्म है कि जो दिल्ली में लास्ट अलोकेशन हो चुकी है यूसीएमएस में, लेडी हार्डिंग में, उससे अगर आप 4 ही बच्चे नीचे हो, तो आपको मालूम है कि आपको अम्बेडकर मिल ही जाएगा पक्का, तो आपको ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो अभी भी थोड़ी दुविधा में है, जो हमारे काफी क्लाइंट्स हैं, जो हम एग्जैक्ट देखिए हम कभी भी नहीं बताते, मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर आपके और लास्ट दिल्ली के बच्चे में अगर 60 बच्चे हैं और सीटें टोटल 30 है, तो हमें नहीं पता ना कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ऊपर के बच्चे वो इंडिया कोटा में कहाँ कहाँ गए हैं, वो तभी पता चलेगा जब राउंड 2 की फाइनल अलॉटमेंट आए। प्रोविजनल से पता तो चलता है कि सीट मिली, पर ली के नहीं ली ये थोड़ा पता चलता है, और जब सीट मैट्रिक्स आता है तो पता चलता है कि करोड़ में कितनी सीट अवेलेबल है, तो एक बच्चे ने कौन सी सीट ली है ये नहीं पता चलता ना। तो उसके लिए हम ऑल इंडिया कोटा 3 भरवा रहे हैं, तो उन लोगों को भरना ही पड़ेगा। आज छोड़ से कि मैं आपके वो 5 या 10 हज़ार रुपये नहीं बचवा पाया, और लेकिन फायदा यही है कि आईपी में जब आप अपना पूरा चांस ले लेंगे, तो आपके पास ऑल इंडिया कोटा की एक अच्छी सीट भी बैकअप में अवेलेबल है। तो आपका ये नुकसान ये है, फायदा ये है कि चूंकि बाकी स्टेट्स का सब हो जाएगा, जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको एडवांटेज है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उनको इस बार अपनी दिल्ली के ही कॉलेजों में सीट मिल जाएगी। सो ये है आईपी का राउंड 2 का लिखा जोखा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी बहुत बाकी है आईपी की स्ट्रेटजी, बाकी स्टेट्स की स्ट्रेटजी, और उसके हिसाब से जो भी हमारी प्रीमियम सर्विस लेके हमारे साथ जुड़ना चाहता है, यू कैन ऑलवेज कॉल अप्स ऑन 9603362320, और खासकर जो प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं, डीम देख रहे हैं, मैंने एक और वीडियो बनाया है, काफी लोगों को पसंद आ रहा है, फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से भी अपील करूंगा कि जल्दबाजी ना करें, तमिलनाडु के डीएमए के चक्कर में जल्दी ना फंसे, 15-16 लाख ईयर भी कम फीस नहीं होती है, वो पौंडीचेरी के पर्टिकुलर कॉलेज का पूरी दुनिया ने फैला दिया 12 लाख की ट्यूशन फी उस कॉलेज में, तो फोन कीजिए पहले डायरेक्टली, क्या वो लिखित में दे रहा है आपको कि नहीं दे रहा है, और उसके बाद क्या होगा उस कॉलेज की क्वालिटी क्या, पहले भी तो चेक कीजिए ना। और आई कैन अश्योर यू इस साल प्राइवेट कॉलेज में काफी सीटें खाली हैं, तो सेम बजट में अगर आप 14-15 साल के खर्च करके टोटल अगर आप 65-70 खर्च करने वाले हो, जो कि वहां पर भी खर्च हो ही जाएंगे हॉस्टल मिला के, तो नॉर्थ के बच्चों को नॉर्थ के में सीट मिल ही जाएगी, आपको तमिलनाडु जाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट कल्चर डिफरेंट खाना पीने के चक्कर में, जो मैंने उस वीडियो में समझाया था। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।